आज पिकनिक का प्लान है तो आज हम जा रहे हैं गैल्वेस्टन बीच। तो अभी तैयारी हो गई है सारी, रेडी वेडी शेडी हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं गैल्वेस्टन बीच, फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है और वहाँ पहुँचते हैं, फिर हम आपको वो से दोबारा मिलते हैं। भाई गैल्वेस्टन बीच पहुंच गए। The destination is on ये तो बढ़िया हॉस्पिटल वाला पानी लग रहा है। Arrived. हवा इतनी तेज़ थी कि उस वक्त मैं बोल नहीं पा रहा था बीच पे। अभी अलग से आके वॉइस डाल रहा हूँ। अभी हम उस ब्रिज पे जा रहे हैं तो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है, फिर वहाँ का सीन देखते हैं। हेलो भाई, यहाँ पहुँच गए ब्रिज पे। बिलाल भाई हम, और ये सीन है यहाँ का, सब शिकारी कर रहे हैं। नहाने वाला तो सीन नहीं है, पानी के मामला बहुत तेज़ हैं और बहुत हैवी है, और ये बीच हमें अच्छा लग भी नहीं रहा, तो हम दूसरी बीच पे जाने का सोच रहे हैं। ये इतने तेज लहरों वाले पानी में शिकार कैसे होगा भाई। ये शार्क पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शार्क की बेटा भी नहीं पकड़ सकते इतने तेज लहरों में। अभी हम लोग इस गैल्वेस्टन बीच के ब्रिज पॉइंट से तो हम निकल गए हैं और कोई अच्छी लोकेशन देख रहे हैं कि जहाँ हमें अच्छे से बैठने की जगह मिल जाए, पानी वहाँ का अच्छा हो, लोग आसपास अच्छे हों, जैसे हम अपनी पिकनिक को फिर इंजॉय कर सकें। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके निकले हुए, अभी देखते हैं कौन सी आगे लोकेशन हमें मिलती है और जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये वाला सीन हमने कभी खुद करना था, बीच के साथ अपनी गाड़ी ड्राइव करना, ये वाला सीन चाहिए था हमें, जो आज मिल गया। सेम बीच है यहाँ तो, थोड़े बस ये कि पब्लिक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ झूले झूले वाले मामला जो है ना थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए लोग यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं। फाइनली हमें एक अच्छी प्लेस मिल गई है जहाँ हम इंजॉय करने आ गए हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। भाई बीच पे पहुंच गए, यहाँ पानी तो बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ है और यहाँ लिक्के लगाया हुआ है, स्विमिंग नॉट अलाउड। तो आगे जा रहे हैं, यहाँ का व्यू चेक कर लेते हैं, थोड़ा सेफ है। जो भी गैल्वेस्टन बीच आना चाहे वो इस पॉइंट पे ज़रूर आए, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है गैल्वेस्टन बीच का, जहाँ अपनी फैमिली के साथ या अकेले अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और सिटिंग एरिया यहाँ बहुत अच्छा है। ये मेरे दोस्त ने फोटो कैप्चर करने के बहाने मुझे बुलाया और अपना कमीनापन दिखाते हुए। इनकी एज चेक करो और इनके काम चेक करो, खुद से अपने आप को संभाला नहीं जा रहा है और चार पपीज को लेके बीच पे आ गया। ये गैल्वेस्टन बीच हमें इतना अच्छा तो नहीं लगा, पर हम जो है वॉक पे निकले हैं, हमने बोला थोड़े नज़ारे ही कर लें इधर के, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो हम वॉक कर रहे हैं, हवा बहुत तेज़ है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ भी अमेरिका में गर्मी नहीं आई है तो ये पानी बहुत ठंडा है। तो हमने सोचा वॉक ही कर लें और देखें क्या सीन है यहाँ, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अमेरिका
चले भाई अब तो घर की तरफ जा रहे हैं, सोचा जाते जाते इस बीच के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर लें कैसा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आए यहाँ तो और अच्छे तरीके से एंजॉय करें और देखें कि यहाँ क्या क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ बीच नहीं है। तो हम अभी एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं, अब ये सामने देख रहे हैं यहाँ सिर्फ बीच नहीं है, सारी राइड्स हैं, झूले हैं, बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, पर इतनी हिम्मत हमारे अंदर है नहीं कि पिकनिक इंजॉय करने के बाद सुबह बीच पे उसके बाद यहाँ राइड्स पे जाएं। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ दोबारा आएंगे फिर आपको राइड्स भी दिखाएंगे, अभी तो यहाँ से बस नज़ारे करते हुए जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम आराम से आएँ यहाँ पर टाइम निकाल के, और फिर हम यहाँ स्पेशली इस दिन के लिए एक दिन निकालना होगा इधर आने के लिए पूरा। ये यहाँ के लोगों का जाते आते कब्रिस्तान नज़र आया तो जितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है कब्रिस्तान, भी दूर से देखने के बाद भी डर नहीं लग रहा है। तो देखते हुए हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।